योगी जन अलग अलग तरह से योग साधते हैं, कोई कर्म योग के द्वारा, कोई ज्ञान योग के द्वारा, कोई भक्ति योग के द्वारा उसको प्राप्त करना चाहता है, पर योग तभी सफल है जिस दिन हमारे हृदय भवन में वह ठाकुर प्रकट हो जाए, तभी हमारा योग सार्थक है। योग तो खूब किया, लेकिन योग किस लिए किया? बोले केवल शरीर के स्वस्थ रहने के लिए, भोग भोगने के लिए। अच्छा विचार करिए, हम लोग आज योग करते तो हैं, पर किस लिए करते हैं? भगवान के लिए नहीं, भोगों के लिए करते हैं। आप कहेंगे नहीं महाराज जी, हम तो भगवान के लिए करते हैं। आप किसी को योग करते देखिए और उससे पूछिए कि अच्छा महानुभाव आप योग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? बोले इसलिए कर रहे हैं स्वस्थ रहे। तो स्वस्थ क्यों रहे? बोले इसलिए कि संसार के भोगों को भोगते भोगते मन भरा नहीं है, तो हम स्वस्थ रहेंगे तो और बढ़िया से संसार भोग पाएंगे। तो योग के मूल में क्या हुआ? भोग हुआ कि नहीं? लेकिन योग भगवत प्राप्ति के लिए है। योग का मतलब है जुड़ जाना। चाहे कोई ज्ञान मार्ग का पथिक हो, चाहे कर्म मार्ग का पथिक हो, चाहे भक्ति मार्ग का पथिक हो, उसका योग तभी सफल है जब हृदय भवन में नंद नंदन प्रकट हो जाए, श्री राम प्रकट हो जाए। योग की सार्थकता ही यही है। तो जितने भी योग हैं उनका अभिप्राय, उनका आशय भगवत प्रेम में है, भगवत प्राप्ति में है।